फ्रेंड्स, मटर पनीर मशरूम की सब्जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये सब्जी आपने खाई तो बहुत होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। सारे रेस्टोरेंट भी फेल हो जाएंगे इस तरीके से अगर आपने सब्जी बना ली। एक तो बनाने में बहुत आसान और खाने में स्वाद ऐसा कि बहुत ही टेस्टी, और वो भी बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ, वही रेस्टोरेंट वाला टेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, मीनूज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होती है, मटर पनीर मशरूम की सब्जी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम मशरूम जब भी लें गर्म पानी से धो लें, क्योंकि ये 2 दिन के अंदर ही हल्का सा इनका कलर चेंज होने लग जाता है। तो इसके ऊपर से हमें, क्योंकि इसका छिलका वगैरह कुछ नहीं उतारना होता, तो इसको अच्छे से हमें गर्म पानी में वॉश करना है, और फिर हमें इसको 4 पीसेज में कट करना है इस तरीके से। 4 पीसेज में कट करे हुए मशरूम दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी टेस्टी होते हैं। तो पनीर के क्यूब्स की तरह हमने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहे तो, अगर आपको ज़्यादा मोटे पीस पसंद ना हो, तो इसमें 6 पीस भी कर सकते हैं। तो सभी मशरूम को हमने कट कर लिया, और इसमें लिए मैंने 250 ग्राम ही मटर के फ्रेश दाने, क्योंकि मटर मशरूम का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बढ़िया होता है। साथ में हमने 100 ग्राम पनीर भी लिया है। जब तीनों चीज़ें मिलके बनती हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो अब हम एक लेंगे कढ़ाई, और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। हमने मटर को फ्रेश लिया है, कोई बॉयल नहीं किया, और अब देखिए क्या करना है। मशरूम डाल देंगे, पहले हम सब्जियों को पका लेते हैं। इस तरीके से सब्जी भुनेगी भी, थोड़ी फ्राइड वाला टेस्ट भी आएगा, और सब्जी का जो फ्लेवर है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरीके से हम मटर भी डाल लेंगे। हमने मटर को बॉईल नहीं किया ना, देखिए बिल्कुल ऐसे ही इसको हमें भूनना है, यानी भुना भुना टेस्ट आएगा सब्जी में। मटर और मशरूम को भुनने देते हैं। साथ में हम एक प्याज लेंगे, इसको भी हम डाइस की तरह कट कर लेंगे, एक एक पेटल को अलग कर लेंगे, और इसको भी हम भुनेंगे मटर और मशरूम के संग। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, दिखने में भी अच्छी लगती है और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। और आपको अगर जल्दी है सब्जी बनाने की, तो 2 कढ़ाइयों में भी काम कर सकते हैं। एक कढ़ाई अलग रख लीजिए और एक में मसाला तैयार कर लीजिए फटाफट से, तो जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन टाइम है तो आराम से कर लीजिए। एक कढ़ाई में पनीर भी हमने डाल लिया है, पनीर को 5-6 मिनट हमने मटर मशरूम को भून लिया, पनीर डाल लिया। पनीर के डालने के बाद बहुत हल्के हाथों से हिलाना है, पनीर टूटना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों को देखिए, हम अलग से फ्राई करते तो कितना तेल लगता है। इस तरीके से इसमें ऑयल भी कम लग रहा है और भुना भुना टेस्ट भी आएगा। अब गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको ढक देंगे। ढकने के बाद 5 मिनट तक इसको पकने देते हैं। इतने हम और तैयारी करते हैं। एक मिक्सी जार लेंगे, 2 प्याज को रफली कट कर लिया, 3-4 हरी मिर्च, 3-4 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा, इसको भी हम डाल लेंगे। आपने मेरे हर वीडियो में देखा होगा, मिक्सी जार में हम सब काम एक साथ कर लेते हैं, जिससे कि काम भी आसान हो जाता है और बहुत बढ़िया टेस्ट भी आता है। 3-4 हमने टमाटर डाल लिए, मसाले भी ऐड करते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटी चम्मच में 1.5 चम्मच हमने नमक डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, जितने आपकी सब्जी है। 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल लिया, 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च डाली, हमने हरी मिर्च भी डाली है, और शाही सब्जियों में मिर्च थोड़ी कमी अच्छी लगती है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया, 1/2 चम्मच गर्म मसाला डाल लिया, और 4 चम्मच हम डालेंगे इसमें दही। छोटी चम्मच के हिसाब से डाल रहे हैं, समझ लीजिए 1/2 कप हमने दही डाल लिया। दही का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सब्जी को शाही बनाता है। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल कितने कम मसाले हमने डाले, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, और सब्जी भी हमारी बहुत बढ़िया भुन गई है। बीच में आप 1-2 बार चला लीजिए, नॉनस्टिक कढ़ाई है तो इसलिए ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपल कढ़ाई है तो आप इसको चला लीजिए। मटर के देखिए, मटर भुन भी गई है और थोड़ी सी सॉफ्ट भी पड़ गई है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और अब उसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया, और 1 चम्मच या तो आप देसी घी डाल लीजिए या बटर डाल लीजिए, क्योंकि जब रेस्टोरेंट वाला स्टाइल चाहिए तो थोड़ा तो ये सब सामान चाहिए ही। और 2 तेज़पत्ते, 1 चम्मच जीरा, 3-4 काली मिर्च और 1 मोटी इलायची, और आप पे दालचीनी की स्टिक है तो वो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। 1/2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली, देगी मिर्च, और थोड़ी सी हमने डाली कसूरी मेथी। इसी से ही हमारा टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब गैस का फ्लेम स्लो कर रहे थे हम, क्योंकि मिर्च जब डालते हैं तो गैस का फ्लेम स्लो कर लीजिए, जिससे कि धांस भी नहीं उठती और कलर तो ज़बरदस्त आएगा। अब हमने मसाला भी डाल लिया, इसको अब अच्छे से भुनना है, क्योंकि सब कुछ हमने कच्चा पीसा है। अब इसे हमें कम से कम 10 मिनट तक तरी निकलने तक भुनने देना है, क्योंकि इस तरीके से जब हम मसाला डालते हैं तो इसको भुनने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया, मिक्सी जार को धो के करीबन 1/2 कप, और इसको चलाते जाएंगे।
3-4 मिनट ऐसे ही भुनेंगे इसको, और इसमें छींटे छटने लग जाती हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और हमने बैलेंस के लिए, बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए, 1/4 चम्मच चीनी डाल दी। इससे शाही सब्जी का बैलेंस बराबर होता है, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और कलर तो आप देख ही रहे हैं। अब गैस के फ्लेम को मीडियम करके ढक के पकाएंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, कम से कम 5-1 मिनट इसको भुनेंगे। और 5 मिनट के बाद तरी निकल के तैयार है। ढकने के बाद तरी जल्दी से आ जाती है और इसको चला देंगे। मसाले को टोटली हमने 10 मिनट पका लिया है, तो आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया मेथड है। और ये आपको दिखने में लग रहा होगा कि वो भुना ये भुना, लेकिन साथ में एक कढ़ाई में इसको भून लीजिए, मसाला फटाफट से तैयार कर लीजिए, सब्जी हो जाएगी जल्दी से तैयार। अब किस बात की देर है, मटर पनीर मशरूम सब कुछ हमने मिला दिया। इसको अच्छे से 2 मिनट फिर चलाएंगे, जिससे कि क्या होगा, एक एक चीज़ के अंदर मसाला भर जाए। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिससे कि सब्जी हमारी बहुत ही बढ़िया होती है। आपने देखा ना, सिंपल सब लोग डालते हैं नमक मिर्च धनिया हल्दी, लेकिन उसी से ही हमारी सब्जी शाही बन जाएगी। अब हमें क्या डालना है, 1 ग्लास पानी। अगर आपको बहुत गाढ़ी रखनी है तो इतना बहुत है, लेकिन थोड़ी सी आपको अगर तरी चाहिए, जैसे राइस के संग खाना है किसी के, योगों पतली वाली सब्जी तरी वाली अच्छी हो लगती है, तो हम इसमें 1/2 ग्लास पानी और डाल देंगे, जिससे कि हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया तरी वाली सब्जी बनके तैयार होगी। अब क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि सब कुछ हमारा पका हुआ है, सब कुछ आपस में रम जाए, गैस का फ्लेम मीडियम करके 5 मिनट इसको और पकाएंगे। अब किस बात की देर है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, सारा घर महक उठा है मटर पनीर मशरूम से। गैस को कर देते हैं ऑफ, क्योंकि सब्जी अभी बनने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और फ्रेश फ्रेश हरा धनिया डाल दिया, जितना आपको पसंद हो उतना धनिया डाल लीजिए। और आप चाहें तो इस स्टेज पे 1 चम्मच फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, वरना दही से ही इतने टेस्ट आता है उसमें, क्योंकि दही क्रीमी टेक्सचर का था इसलिए मलाई की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत ही बढ़िया डिलीशियस मटर पनीर मशरूम है तैयार। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको रेसिपी, आपको जब इसको खाएंगे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, सच में यकीन मानिए। तो आप भी इसको बनाइए, सारे रेस्टोरेंट वगैरह सब फेल हो जाएंगे इसके आगे, आपको कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो आगे से आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।